मैं ऋषभ सर नाउ योर रिस्पॉन्स। जी सीबीआई रिकमेंडेशन कर दिया गया है, लेकिन मैं आपसे पहले टेक में भी सवाल किया हूँ, नयन दाभोलकर को इंसाफ मिला जिनकी 2013 में हत्या हो गई थी, यही सीबीआई जांच कर रही थी ना। मेरा सीबीआई के निष्ठा पे सवाल नहीं है, सीबीआई के फंक्शन पे सवाल है कि क्या सीबीआई को इतना केस दिया जाता है, क्या सीबीआई टाइम बाउंडेशन के अंदर नतीजे देते हैं। प्रेम शुक्ला ने रिस्पॉन्ड किया ना, प्रेम शुक्ला जी इसको रिस्पॉन्ड कर दीजिए, इसका रिस्पॉन्ड ऋषि मिश्रा का ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि सीबीआई को दिया गया उनका वो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं। नहीं, अच्छा है, लेकिन कृपा करके सुन लीजिए बाप, नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में नरेंद्र दाभोलकर का हत्यारा कौन, ये सबसे पहले क्या शरद पवार के गृहमंत्री ने, एनसीपी के गृहमंत्री और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने निष्कर्ष सबसे पहले नहीं दे दिया था? और इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत के हत्या और आत्महत्या के मामले में सबसे पहले निष्कर्ष क्यों दे दिया गया? अभी तक आपने मुंबई पुलिस ने ताला खोलने वाले चाबी वाले को उसकी आज तक इंक्वायरी की नहीं, उनकी बॉडी जिन लोगों ने उतारी उनसे पूछताछ की नहीं, उनको जो है अस्पताल पहुंचाने वालों से पूछताछ की नहीं, उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने वाले छुट्टी पर इकट्ठे क्यों चले गए पूछताछ की नहीं, और निष्कर्ष पे आ गए नरेंद्र दाभोलकर के मर्डर केस में भी। और तब यही शिवसेना, यही सामना नरेंद्र दाभोलकर की हत्या में हिंदू जन जागृत समिति का हाथ नहीं है, ये डंका पीट कर कह रहे थे। तब आप कृपा करके बताइए ना, तब आपकी लंका क्यों लगी पड़ी थी ये भी तो बता दीजिए। आप आदरणीय उद्धव ठाकरे से पूछिए कि नरेंद्र दाभोलकर हत्याकांड में 2014 की ऋषि मिश्रा की वाचालता ये ठीक नहीं है। ऋषि मिश्रा ने बहुत अच्छा सवाल किया, नरेंद्र दाभोलकर के हत्या बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल नवंबर 2000 शिवसेना की भूमिका पता है क्या आपको? ऋषि मिश्रा एंकर बनाया है क्या? न्यूज 18 का आप मालिक आप ही होंगे, आप ही डिसाइड करेंगे। नहीं, न्यूज 18 इंडिया के सहयोगी एंकर ऋषि मिश्रा, ये किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, सवाल पर सवाल पूछेंगे, यानी बहस बिगाड़ेंगे। ऋषि मिश्रा डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहिए, आपको पता है? ऋषि मिश्रा डिबेट को डिरेल नहीं करना चाहिए, बोल करके हत्याकांड। आप सवाल का जवाब दीजिए ऋषि मिश्रा, सवाल का जवाब दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक ने कहा, आप छोड़िए, आरजेडी ने भी डॉक्टर की मांग की। ऋषि मिश्रा आपने सबसे पहले एलजेपी के प्रवक्ता में बोलना शुरू कर दिया, फिर आपने डॉक्टर अजय आलोक के बारे में बोला, आप सवालों का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, बहुत साफ बोला जेडीयू के प्रवक्ता कि चलिए आप नीतीश कुमार की छोड़िए, लेकिन प्रेम शुक्ला ने जो सवाल पूछे उन सवालों पे आप आना चाहते हैं या नहीं ऋषि? या सिर्फ डिबेट को घुमाना चाहते हैं? बिल्कुल आना चाहता हूं कि नहीं, ये सवाल नहीं। अगर आप सवाल पे आना चाहते हैं तो प्रेम शुक्ला ने तीन सवाल पूछे लगातार, तीन सवाल हैं, उन सवालों पे जवाब दीजिए सुशांत के, और उस पर आइए, उस पर बहस करेंगे। लेकिन अगर आप बहस जाना चाहते नहीं, एके वाजपेयी जी आप वो सवाल का जवाब दीजिए, अजय आलोक जी वो सवाल का जवाब, तो आप भट्टा रहे। मैं आता हूं आपके बाद डिबेट पे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं।